भाई सानू तारीख नहीं बताएंगे मंदिर वही बनाएंगे। तो प्रतिज्ञा ये रहा है कि तारीख ना बता दे लेकिन मंदिर बनाए सब। एक ही नारा एक ही नारा, जय श्री राम जय श्री राम। बैठ जाइए आपको भाई, पिछड़ा लो तुम लोग पिछड़ा लो। जय श्री राम 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 जय श्री राम। लाइन में लगे हैं ताकि टीका करा ले और हम जा रहे हैं अयोध्या। तो अच्छा जगह है, घूमना चाहिए, देखिए क्या होता है। टीका लगने वाला हमें। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। धन्यवाद जय जय श्री राम। माला पहन लिए हैं और ये अभी हम सुगौली के पास है। देखिए कितना लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सारे लोग अयोध्या जाने वाले हैं। और जो पीछे है रेलवे की ओर से थोड़ा सा ये लोगों के लिए कुछ है, खाने पीने या चाय का जो केतली रखा है और कप भी रखा है। चलते अपने सीने बैठने के लिए ताकि मेरा सांस में है सुप्रीम कुमार। ये देखिए हम लोग दोनों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग अयोध्या धाम जा रहे हैं। आज का ट्रेन है लगभग, अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:30 और 9-10 बजे का ट्रेन है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और देखिए कितना लोग यहाँ देखो साइड में और जितने भी लोग उधर लाइन से आया है सब किसी को माला पहनाया गया है और अच्छी चीज़ है। देखिए क्या होता है, देखिए सारा लोग कैसे बोल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आज कि इसका कहीं ध्यान अलग है, अभी थोड़ी देर बाद में बात करते कि खुद पीजिए। अभी टीका लगा के मतलब फिर कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हम जा रहे हैं अयोध्या है हिंदुओं का धर्म है। चलिए जय श्री राम। खड़ा है ये लोग नाश्ता के लिए और अपने टिकट के लिए लाइन लगे हुए लोग और बारी बारी से सबको मिलेगा। लेकिन बहुत लोग हावड़ा गया कि एक बार सब ले ले, जिसको मिल गया उसके गला में, देख रहे हो आईडी, देख रहे हो उसको चला गया आदमी, उसके गला में आईडी है। तो लाइन में लग के नाश्ता वास्ता ले लिए हैं, जिसमें हम लोग को एक चाय मिला है और ये देखिए एक पानी मिला है और ये देखिए इसमें हम दिखा रहे हैं कि इसमें क्या क्या आइटम। ये टिश्यू पेपर दिया है हाथ पूछने के लिए और इसके अंदर क्या क्या है देखा जाए थोड़ा। ये देखिए ये सोन पापड़ी है, बीका जी है, एक फ्रूटी है और एक बिस्किट है और ये लुटे दो पाई। ये क्या ठीक है, अच्छा है, ठीक है ना। चल
चलते हैं नाश्ता करने, और एक ही आदमी को मिला है तो हम एक ही मिनट दोनों आदमी को खाना पड़ेगा, क्योंकि जिसका नंबर रजिस्टर्ड है उस पर मैसेज आया है और उसी को मिल रहा है। तो मेरा नंबर रजिस्टर्ड नहीं था क्योंकि मेरा प्लान नहीं था यहाँ जाने के लिए, तो इमरजेंसी में आ गए, तो चला जाए थोड़ा खा पी लिए, क्योंकि बाकी सभी लोग सभी नाश्ता के चक्कर में घूम रहा था मैं। चलो थोड़ा सा लाइन लगे हैं, हमको भी गाँव से मिल गया और बाकी लोगों को सब लोगों को मिल रहा है जो भी लाइन लग रहा है वहाँ पे, और जो लाइन में नहीं लग रहा है ना तो जहाँ तक वो पहुँच पा रहे हैं जो देने वाले हैं, तो विधायक कोई विधायक है मुझे पता नहीं है क्या नाम है, जो सभी को दिए यही है। बीजेपी का बहुत अच्छा ऐड हो रहा है, प्रचार हो रहा है, तो हमको लगता है कि ये लोकसभा चुनाव जो आने वाला है ना सब उसी पर ये खर्च जाएगा, और हम लोग लगभग 12 बजे ट्रेन आने वाली है, तो वहाँ से हम लोग अयोध्या के लिए जाने वाले हैं, और थोड़ा ट्रेन पता नहीं क्या नाम है उसे क्या नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है, हम आपको एक्सपीरियंस बताएंगे। और देखिए इसको मिल गया है गाम से, गांव से देखा गांव से फोटो हमने खींच लिया, जितने भी लोग आए हैं ना सभी को गांव से मिला है, और बीजेपी का यही तो है, बीजेपी का प्रचार इतना बेस्ट है कि बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो गायब हो जाता है। फिर आगे आपको हम दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। नाम है नहीं कौन है नाम, चलिए जय श्री राम। राम के प्रतिज्ञा कैले रहनी कैसन हूँ, तारीख नहीं बताएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तो प्रतिज्ञा ही रहे कि तारीख ना बता देंगे मंदिर बनाएं सब। एक ही नारा एक ही नारा, जय श्री राम जय श्री राम, और हम लोग आज अयोध्या, कल का ट्रेन था और आज हम लोग पहुंच जाएंगे लगभग 10-11 बजे, और देखिए हम लोग नाश्ता से मिल गया है, चलते थोड़ा नाश्ता करने, और यहाँ पर ट्रेन रुकी है थोड़ी देर के लिए, ताकि हम इसलिए बाहर निकले हैं ताकि मौसम कैसा है देख लें। और ये देखिए मेरा बेड, देखिए ये मेरा बेड है, और हर किसी को एक तकिया मिला है और एक बेडशीट मिला है और एक ओढ़ने के लिए मिला है, और तकिया के साथ साथ उसका खोल भी मिला है। ये इंडियन रेलवे में पहली बार है जो इस तरह का सुविधा मैंने पैसेंजर को दिया गया है, चाहे पैसेंजर बोलिए या भक्त बोलिए, क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ अयोध्या के लिए जा रही है और इसमें बाकी लोग चढ़ सकता है, और ना ही आप बीच में उतरने के लिए उतर सकते हो, उतरने का मतलब होगा कि आप अपनी यात्रा को छोड़ रहे हो, ये होगा इसका मतलब। और ये जो अभी हम लोग बोगी है मेरा, ये S17 यानी S17 है, तो हम जाके कुछ देर पहले फ्रेश हुए तब तक हमारे बेड पर रास्ता आके पड़ा था। देखिए ये पड़ा है रास्ता, देख रहे हो, और ये एक पड़ा है पानी भी मिला है, और ये एक और रास्ता मिला है, और ये पानी मिला था नाइट में कि जितने भी लोग हैं सब किसी को
पानी मिला था हर बेड बेड बाई बेड। तो थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, देखते हैं कि नाश्ते में क्या क्या है। देखने में लग रहा है कि इसमें पूरी है, सब्जी है और अचार है, और क्या है इसको ओपन करते हैं तो मालूम चलता है। तब तक आपको अपडेट देते हैं क्या क्या रास्ता है इसमें। जो होगा अच्छा ही होगा, खाना सब अच्छा है, चाहे किसी भी टाइप का सब खाना खाना ही होता है। हम उसको अपना से मन से कहानी बनाते हैं, ऐसा है वैसा है। देखिए यहाँ अचार है, टिशू दिया है, इसमें है पूरी, देख रहे हो पूरी। पूरी बहुत मस्त लग रहा है यार, बहुत बहुत उसका अच्छा सुगंध आ रहा है पूरी का। सबसे मैंने पहला जो 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 बाइट है जो प्रभु के नाम के लेके, क्योंकि उन्हीं के लिए मेरा दो दिन की यात्रा है, और मेरा ही नहीं बाकी सारे लोगों का जो इस ट्रेन में कम से कम 400-500 से शायद ऊपर लोग होगा। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन रेलवे में हम काफी समय से ट्रेवल करते आए हैं, और इसमें हर तरह का खाना नाश्ता सब किया है, लेकिन सबसे बेस्ट ये लगा है। इसलिए ये कोई व्यापारी यानी कोई बिजनेसमैन का खाना ही है, ये जिसका भी हो, लेकिन ये बहुत काफी अच्छा है। ये हर चीज से टेस्टी आ रहा है, चाहे सब्जी हो चाहे वो पूरी हो। तो ठीक है, खाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं हम लोग आगे क्या होता है। अब क्या क्या मिला है, ये मजा है। और ये पिताजी भुजिया है, वो भी एक गुड्डे का एक बिस्किट है, एक सोन पापड़ी है, और ये अच्छा है। ट्रेन चलती है, यात्रियों से अनुरोध है कि बाहर निकलने हैं तो गेट नंबर 4 का ही प्रयोग करें। बाहर रोड पर पर्याप्त संख्या में बस तैयार खड़ी है, जिसमें आपको पूरी सहूलियत से बैठाया जाएगा। यात्रियों से पुनः अनुरोध है कि बाहर निकलने हैं तो गेट नंबर 4 का ही प्रयोग करें। यह हादसा स्पेशल गाड़ी यात्रियों के उतरने के पश्चात प्लेटफॉर्म से हट जाएगी। अतः यात्रियों से अनुरोध है कि अपना सारा सामान गाड़ी से उतार लें। बाहर रोड पर पर्याप्त संख्या में बस तैयार करी है, जिसमें आपको बैठाया जाएगा।